हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडेज टॉपिक इज टेंस। हम टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रेजेंट के चारों पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। पास्ट टेंस कंप्लीट हो गया है। पास्ट के चारों पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का फर्स्ट जो पार्ट है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर भविष्य, इंडेफिनिट अनिश्चित, टेंस काल, ये हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। फ्यूचर जो एक्शन, जो घटनाएं आने वाले समय में घटित होंगी वो क्या होगा? फ्यूचर होगा। इंडेफिनिट एक्शन की बात करते हैं, इसके अंतर्गत जो कार्य होता है वो अनिश्चित होता है। टेंस काल समयावधि की इसमें बात हम करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट इवेंट्स बट देर इज इंडेफिनिट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एक्शन। यह ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो अभी होना हो, यानी कि एट प्रेजेंट जो चल रहा है उसके जस्ट बाद जो घटना घटित होगी वो फ्यूचर के लिए रिप्रेजेंट होती है। फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करते हैं, योजनाएं करते हैं। फ्यूचर के बारे में हम बता नहीं सकते कि फ्यूचर में किस प्रकार से कैसे क्या घटित होगा, ओनली हम अनुमान लगा सकते हैं। हिंदी में जो पहचान है, गै, गा, गे, गी इत्यादि, वाक्य के अंत में ये साउंड हमें देखने को मिलेगी या सुनने को मिलेगी। अब इसके रूल हैं। फर्स्ट रूल है आई और वी, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है सिंगुलर और प्लूरल, आई और वी पर्सन के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। देखिए, आजकल लेटेस्ट ग्रामर में हम सेल का प्रयोग नहीं करते हैं, बट ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार हमें सेल का प्रयोग करना होगा, और सेल का जो प्रयोग है वो फर्स्ट पर्सन के साथ होता है। एग्जाम्पल देखिए, आई शैल गो टू अमृतसर फॉर पिकनिक। सेकेंड एग्जाम्पल, वी शैल लर्न क्वेश्चन एंड आंसर। नेक्स्ट रूल है यू ही सी इट दे एवं बाकी सभी के साथ, यानी कि आई और वी फर्स्ट पर्सन को छोड़कर बाकी सभी के साथ हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू विल सी ए मूवी, दे विल रीड दी बुक्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। फर्स्ट है सिंपल सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वी शैल प्ले फुटबॉल फुल स्टॉप। सी विल कम फ्रॉम दिल्ली नेक्स्ट डे फुल स्टॉप। आगे देखिए, नेगेटिव सेंटेंस, इसका जो पैटर्न बनेगा, स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, जोहन विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। दे विल नॉट रन इन दी ग्राउंड। इंटरोगेटिव जो सेंटेंस रहेगा उसका जो पैटर्न है वो देखिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। शैल वी स्विम इन दी रिवर क्वेश्चन मार्क। विल यू वॉश दी क्लोथ्स क्वेश्चन मार्क। लास्ट रहेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हम पढ़ते आए हैं। जिस किसी भी टेंस को हम पढ़ रहे हैं उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव में, वो पहले लगती है। तो इस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब शैल और विल को पढ़ रहे हैं, तो ये पहले लग जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नोट का यूज, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए, इंडेफिनेट में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ी है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो चाहे पास्ट इंडेफिनेट हो। इंडेफिनेट में ओनली केवल सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म यूज होती है, बाकी के जो सेंटेंसेस थे उसमें हम ओनली फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ यूज कर रहे थे। यहाँ पर भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल, विल यू नॉट ओबे टू मी क्वेश्चन मार्क। शैल वी नॉट वॉच टीवी क्वेश्चन मार्क। स्पेशल रूल हैं कुछ, देखिए। फर्स्ट है इसका फर्स्ट जो रूल रहेगा वो है भविष्य में होने वाले एक्शन को व्यक्त करने के लिए, ही विल गो टू पटना टुमारो।
नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस होप आशा एंड एक्सपेक्टेशन संभावना। देखिए हमने बात की कि होप या एक्सपेक्टेशन की बात हम फ्यूचर के लिए करते हैं, जो प्रेजेंट बीत गया उसको हम पास्ट बोलते हैं, और जो संभावनाएं जो उम्मीद हम लगाते हैं वो फ्यूचर होता है। एग्जाम्पल आई होप यू विल गेट गुड मार्क्स, ये कोई क्लियर नहीं है बट उम्मीद है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम संभावना लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। शेड्यूल्ड इवेंट, निर्दिष्ट घटना को बताने के लिए, द पार्टी विल बी एट होटल ताज। नेक्स्ट एग्जाम्पल द मैरिज विल टेक्स प्लेस ऑन 10th अगस्त। आगे देखिए फ्यूचर हैबिचुअल एक्शन भविष्य में घटित होने वाली आदत को दर्शाने के लिए, फ्यूचर में जो घटनाएं घटित होंगी जो हैबिट रहेगी उसको बताने के लिए इस टेंस का यूज़ हम करते हैं। ही विल ऑलवेज वेस्ट हिज टाइम। सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात की जा रही है इसलिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। सी विल वॉच टीवी एट द कॉस्ट ऑफ हर स्टडी। आगे देखिए नेक्स्ट है एडवर्ब्स। एडवर्ब हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी इस टेंस को जानने के लिए, पहचानने के लिए। फर्स्ट है इफ, अनलेस, टिल, व्हेन, बिफोर, आफ्टर एक्सेट्रा से बनी एडवर्ब क्लाज हो ये हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन सी एडवर्ब आ रही है और ये किस टेंस के लिए यूज़ होंगी, तो वो सिचुएशन से पता चल जाता है। यहाँ पर देखिए इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अनलेस यू गिव अप स्मोकिंग यू विल नॉट बी हेल्थी, ही विल कम बैक आफ्टर सनसेट। तो ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। फ्यूचर टेंस की शुरुआत आज हमने की। आई होप ये टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप जो टेंस है उसकी प्रैक्टिस कीजिए जहाँ तक आपने पढ़ा है। जो भी आपको पढ़ाया जाता है आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से आपको समझ में आएगा। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। वीडियोस कैसी लग रही हैं ये ज़रूर आप कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है वो ऑनलाइन क्लासेस की है, तो हमें टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना पड़ेगा और अपनी जो हैबिट है उसमें भी चेंजमेंट करना पड़ेगा। टेंस का ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज को समझने के लिए। तभी हम अच्छे से इस लैंग्वेज को समझ पाएंगे जब ये कुछ मेन टॉपिक होते हैं उसको हम अच्छे से फाइंड आउट कर लें, अच्छे से रीड कर लें, अच्छे से समझ लें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।